मुकामी तहजीब व तमद्दुन को महफूज रखने और खित्ते के नौजवानों में अच्छी सेहत के बारे में आगाही पैदा करने के लिए रामबन में भारतीय फौज की जानिब से स्काई मार्शल आर्ट्स मुजाहरे का अहतमाम किया गया। स्काई कश्मीर के कदीम मार्शल आर्ट की एक शक्ल है जिससे अब मुल्क की सतह पर अच्छी पहचान मिल चुकी है। शोपियान की 7 लड़कियों समेत कुल 21 नौजवानों ने जंगी महारत का मुजाहरा किया जिसमें गैर मुसल्ला जंगी लड़ाई, मोटरसाइकिल का मुजाहरा और हथियारों से लड़ाई की मुख्तलिफ मशकें शामिल थी। अवरालूद जोशी जज्बे को रोक न सका और मुजाहरे को 150 से ज्यादा तलबा के पुरजोश हजूम में देखा जिसमें मुख्तलिफ उम्र के लड़के और लड़कियां शामिल थी। सामीन में बहुत से लोगों ने अपने दिफा पर क्लासों की रजिस्ट्रेशन के लिए इकट्ठा किया। सेहतमंद और पुरएतमाद नौजवान किसी कौम का बेहतरीन असासा होते हैं। स्काई मार्शल आर्ट्स के फवाइद की पेशगोई करते हुए इवेंट में GHSS रामबन की लड़कियों की हाजिरी देखी गई। मुजाहरे के बाद टीम की जानिब से एक लेक्चर भी दिया गया। इस तरह की तकरीबात का इनकार इलाके के भरपूर सकाफती वर्से के बारे में शऊर को फरोग देगा। पेशे वैली ऑनलाइन के लिए रामबन से परवेज शान की यह खसूसी रिपोर्ट। सिकई मार्शल आर्ट पूरे इंडिया में अभी खेले जा रहे हैं, तो अगर हम कश्मीर की बात करें, शोपियां टीम की बात करें, तो हमारे जो सीओ साहब अभी यहाँ रामबन में, आपको खुशकिस्मती होनी चाहिए, वो अभी रामबन में, वो हमारे पहले टूआईसी थे, तो उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया इंडियन आर्मी में आने के लिए। इस गेम को अभी साउथ कश्मीर में ज़्यादा इंडियन आर्मी सपोर्ट करती है, नेशनल हमारे हो, इंटरनेशनल हो, हमारे स्पॉन्सर्स जो आते हैं वो इंडिया आर्मी से आते हैं। तो ये जो गेम हमारी है अभी बहुत डेवलप हो चुकी है पूरे इंडिया की। पहले हम बात करें, पूरे हर एक स्टेट में ये खेला जा रहा है। इसका जो वर्जन है, जो इसके गेम के बहुत सारे खूबियां है इस गेम के, जैसे हम नेशनल की बात करें, स्पोर्ट्स कोटा की बात करें, जैसे हम नीट में एग्ज़ाम देते हैं, उससे उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसमें बहुत सारे जो हमारे अपने बच्चे हैं उन्हें अभी नेशनल, साउथ एशियन, इंटरनेशनल, वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल के वहाँ पे सिल्वर, गोल्ड और नेशनल में उन्हें बहुत सारे। मेरा नाम मंजीत कुमार है, मैं रामबन में गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में 12th क्लास का छात्र हूँ। मेरे अंदर एक हमारे रामबन में एक बच्चों में अलग सी ताकत डाल दी इन्होंने। नेक्स्ट टाइम हम भी प्रॉमिस करते हैं कि हम भी इनकी तरह यहाँ पर परफॉर्म्स कर सकते हैं, हम भी इंटरनेशनल नेशनल लेवल तक जा सकते हैं। हमारे रामबन में के बच्चों के भी अंदर ऐसा ही टैलेंट है। हम अपने आर्मी ऑफिसर का भी शुक्रिया अदा करते हैं, हम अपने टीचरों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने भी हमें अगले मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल रामबन से क्लास 12वीं का तालिब इलम, और ये जो पार्टिसिपेट इन्होंने हमारे पार्टिसिपेट करके हमारी बहुत हौसला अफजाई की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारे स्कूल के और हमारे यहाँ रामबन के बच्चे भी ये करके दिखाएंगे। और मैं आर्मी ऑफिसर्स का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस इवेंट्स को हमारे सामने लाया, और मैं यहाँ के जो मेहमान हमारे आए हुए हैं श्रीनगर से, जिन्होंने ये हमें गेम्स जिताई, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। गवर्नमेंट हाई स्कूल, हमें इन छोटे छोटे बच्चों को देख के ऐसा लग रहा है कि हमें भी एक एनर्जी आ गई है, और जो हमें आर्मी ने प्रॉमिस किया है कि यहाँ 1 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट होंगी, और हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है, और हम भी कर सकते हैं और करेंगे और करके accessories and multi documentation center. Visit our center 9 AM to 9 PM behind Siddiqui Public Park, Kangan. मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।